हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा। फ्रेंड्स, आप में से कई ने मेरे से पूछा कि मैं मॉसेस कहाँ से कलेक्ट करती हूँ या कहाँ से परचेज करती हूँ। फ्रेंड्स, मॉसेस कई तरह के होते हैं। आप मैंने कॉमनली स्फेग्नम मॉस और शीट मॉस सुना होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी मॉस की वैरायटी है। जो मॉस मैं जनरली यूज़ करती हूँ वो एक्चुअली मैं परचेज नहीं करती। ये सब पे लगाने के लिए, अपने लैंडस्केप्स पे या अपने किसी अरेंजमेंट में डालने के लिए, वो मैं परचेज नहीं करती। वो मैं एक्चुअली अपने ही गार्डन में से कहीं कहीं से कलेक्ट करती हूँ। मैं आपको इस वीडियो में कुछ जगह दिखाऊंगी। एक्चुअली हमारे इंडियन क्लाइमेट में, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट आप मेनली कहिए, इंडियन क्लाइमेट नहीं, जो थोड़ा ह्यूमिड हो और वार्म हो, तो वहाँ पे जहाँ पे भी वैसे पानी रहेगा, एक्सेस वाटर रहेगा और ह्यूमिडिटी रहेगी, वहाँ पे इस तरह के मॉस आ ही जाते हैं। आप उस तरह की जगह से आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। कोई रिवर के साइड में अगर कोई रॉक है तो वहाँ पे ये मॉस आपको देखने को मिलेगा। कोई अगर आप चट्टान पे चढ़ रहे हैं जहाँ पे पास में कोई शावर है, कोई झरना है, वहाँ पे आपको ये मॉस देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको अपने कुछ लोकेशंस दिखाती हूँ जहाँ से मैं करती हूँ। और उसके लिए हमें मॉस कलेक्ट करने के लिए चाहिए ये इक्विपमेंट, जो मेरा फेवरेट गार्डनिंग इक्विपमेंट है। ये तो एक गार्डनर के पास होना ही होना चाहिए, और एक बॉक्स मॉसेस को रखने के लिए। तो चलिए मॉसेस कलेक्ट करते हैं थोड़े। सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाला लोकेशन, यहाँ पे मॉस ही मॉस हैं। मैं अगर कोई ऐसी जगह पे मॉस रखनी होती हो जहाँ पे रफ सरफेस है और मॉस मुझे चाहिए सॉइल के साथ, तो मैं मॉसेस यहाँ से कलेक्ट करती हूँ। तो चलिए फिर यहाँ से कुछ मॉस कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए केचुआ, इसे कभी भी मारिए मत। ये हमारा फ्रेंड ही है, एवरी गार्डनर फ्रेंड एंड एवरी फार्मर्स फ्रेंड। और ये अगर आपके पॉट में है, आपके गार्डन में है, तो इसका मतलब आपकी सॉइल की हेल्थ सही है, और इसे आप बाहर मत निकालिए। फ्रेंड्स, ये मेरे मॉस कलेक्शन की एक और जगह है। ये वेल है और यहाँ पे बहुत अच्छे से ह्यूमिडिटी रहती है, और वायर पाइप कनेक्शन की वजह से यहाँ पे पानी हमेशा रहता ही है थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे मुझे हर सीज़न में मॉस मिल जाते हैं। आप मेरे मॉस के कलेक्शन का निशान भी देख पा रहे होंगे, ये मैंने ही कलेक्ट किए हैं। तो अगर आपकी तरफ थोड़ा वार्म क्लाइमेट है और कहीं पे हमेशा ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, तो वहाँ पे आराम से मॉस बन जाता है। अगर इस तरह का वेल वाला जगह है या आपका कोई वाटर टैंक है, तो आपको आराम से मॉस मिल जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ से कुछ मॉस कलेक्ट कर लें। ये मेरा एक एरिया है जहाँ पे मैं वो सारे प्लांट्स रखती हूँ जो अभी अच्छे कंडीशन में नहीं हैं और जिनमें कुछ काम करने हैं। तो इस जगह पे थोड़ी वाटरिंग रहती है, प्लांट बहुत क्राउडेड है, तो फिर ह्यूमिडिटी सही अमाउंट में रहती है। मैं रेगुलर वाटरिंग भी करती हूँ, फिर कुछ केमिकल अगर स्प्रे सब करना हो तो। यहाँ पे जो ईंटें लगी हुई है इस पे भी मॉस जम जाते हैं, और आप मॉस यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप इन मॉस को आराम से बस हल्का सा ऐसा करके कुरेद करके निकाल सकते हैं, आपके हाथ में मॉस आ जाएगा। इस तरह से आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए सीधे। यहाँ पे बहुत ईंटों पे बहुत अच्छे से मॉस जम जाती है, इसलिए जब आप मॉस अपने अरेंजमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या करते हैं, हम ईंट को हल्का सा चूर के उस अरेंजमेंट में डाल देते हैं ताकि मॉस को अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए उनकी तरह का, और बस मॉस कलेक्ट करना काफ़ी आसान हो सकता है। आप अपनी जगह पे कुछ ह्यूमिड प्लेस को बस ग्रो होने दीजिए, जैसे वो ग्रो हो रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब मत करिए, आपको ऐसे मॉस मिलते रहेंगे आपके अरेंजमेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये मॉस कलेक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्लांट्स का भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।